अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की हाई लेवल डिबेट का आगाज़ मंडे से हुआ। इस डिबेट में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से हकूमती वफद इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली क्या है, ये क्या करती है और पाकिस्तान का इसमें शिरकत करना क्यों ज़रूरी है, आइए जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस का नाम तो हम सब ने सुना है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इसकी मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। इस असेंबली में इस वक्त 193 मेंबर्स हैं और इस असेंबली में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में मौजूद तमाम इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर मल्टीलैटरल डिस्कशन की जाती है। इसके साथ साथ यूएनजीए सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स का भी इंतखाब करती है, यूएन का बजट सेट करती है और यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी का भी इंतखाब करती है। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की सबसे ज्यादा इफेक्टिव बॉडीज में से एक है। कुछ एपिसोड्स पहले हमने पाकिस्तान की फ्लड सिचुएशन के बारे में बात की और किस तरह पाकिस्तान ग्लोबल नॉर्थ के किए की सजा मौसमी शिद्दतों की सूरत में भुगत रहा है। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक गोल है क्लाइमेट एक्शन। इसके लिए यूएन की मुतअद्दिद तंजीमें काम भी कर रही हैं और हर साल मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसेस भी कराई जाती हैं, लेकिन इन कॉन्फ्रेंसेस और इन डिबेट्स में ज़्यादातर उन डिबेट्स को बरूए खातिर लाया जाता है जो अमीर ममालिक पर असरअंदाज होती हैं। और क्लाइमेट एक्शन के नुक्ते के ऊपर गरीब मुल्कों को इमदाद तो मिल जाती है, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत डिवाइडेड नज़र आती है। उसी एपिसोड में हमने फॉरेन एड की जगह फाइनेंशियल रिपेरेशंस की बात की और इस मकसद को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि यूएन की बजट एलोकेटिंग बॉडी को पाकिस्तान के मसाइल से बाबर कराया जाए। तो पाकिस्तान के यूएनजीए के वफ़द ने इस दफ़ा इस अज़म का इजहार किया है कि वो एक यूनाइटेड फ्रंट और फर्म स्टांस के साथ इस दफ़ा असेंबली में उतरेंगे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान की बढ़ती हुई क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के ऊपर सारी दुनिया को किसी एक सॉल्यूशन के ऊपर मुत्तफिक किया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से मंडे को होने वाले हाई लेवल डिबेट के इफ्तिताही इजलास में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खर ने ग्राउंड वर्क ले किया। उन्होंने नागहानी आफतों के बायस गरीब ममालिक पर होने वाले असरात के बारे में बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमरीका रवानगी से कबल अपने ट्विटर के थ्रू अपने अज़ायम का इजहार किया है। इस दौरे पर वज़ीर आज़म मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी सरबराहान से मुलाकात करेंगे और उनकी तवज्जो पाकिस्तान के बढ़ते हुए क्लाइमेट प्रॉब्लम्स की जानिब दिलाएंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी वफ़द ने यूएन सेक्रेटेरिएट की लॉबी में एक 7 रोज़ा एग्जीबिशन का भी इनेकाद किया है, जिसका मकसद पाकिस्तान में होने वाली सैलाब की तबाहकारियों के बारे में तमाम शुरका को अवेयरनेस देना है। पाकिस्तान में हमेशा की तरह इस विजिट को लेकर पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है। एक साइड है जो कहती है कि पाकिस्तानी सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ऐसे बड़े वफ़द और एग्जीबिशन ज़रूरी हैं ताकि दुनिया को पाकिस्तान के मसाइल के बारे में बताया जा सके। दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत को अपने एक्सपेंसिस को कट करने के लिए इतने बड़े वफ़द को स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए। दोनों आर्ग्यूमेंट्स में वजन अपनी जगह है और इनके बीच में यकीनन एक मिडिल ग्राउंड है जो अचीव किया जा सकता है। एक मशहूर अंग्रेजी मकोला है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जब तक पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों से दोचार रहेगा ये एक इम्पॉर्टेंट इशू बना रहेगा, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरेगा तो लोग और ख़ासकर मीडिया इसको भूल जाएंगे। यहाँ आवाम की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को मत भूलें और हुकूमत को इसके ऊपर होने वाले इकदाम के लिए अकाउंटेबल ठहराएं ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर इसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के ऊपर काम किया जा सके। और ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस इन मसलों पर काम नहीं करता, लेकिन दुनिया की कोई भी कुव्वत हमारे मसाइल को तब तक सही तरह से नहीं समझ सकती जब तक हम अपनी बात उन तक ना पहुँचाएँ। अभी के लिए सवाल ये है कि आया पाकिस्तान दुनिया को अपनी बात समझाने में कामयाब होगा? क्या पाकिस्तान में ऐसा इदारियाती निज़ाम मौजूद है कि अगर हमारी बात यूएनजीए में सुन भी ली जाए तो हम अपने मुल्क में वो रिक्वायर्ड तब्दीलियां कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड हैं? याद रहे कि पाकिस्तान अब भी अपनी तारीख के एक बदतरीन सैलाब से दोचार है और बहुत से सैलाब जदगान आपकी इमदाद के मुस्तहिक हैं, इसीलिए सैलाब जदगान की दिल खोल कर मदद करें। अपनी राय से हमें कॉमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।